एप्लीकेशन ओपन, कॉल करने का समय 9 AM टू 5 PM। अभी एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें, इंजीनियर अकेडमी देहरादून पेड कोर्स। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिटेल कोर्स के लिए संपर्क करें 8449597123। SSC JEE 2020 इलेक्ट्रिकल के लिए संपर्क करें 8449597123। JB गुप्ता इलेक्ट्रिकल बुक के सॉल्यूशन। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, इंजीनियर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज डेट 21 यानी कि 21 दिसंबर 2019 और करंट अफेयर की जो आपकी टाइमिंग हो चुकी है अब 6 से लेकर 7 बजे यानी 6 बजकर शुरू हो जाएगी यानी 7 बजे तक रहेगी आप लोगों की, ठीक है। और जल्दी से हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आप नई टाइमिंग के साथ। तो आज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले तो आज के लिए पहला जो टॉपिक है, पुर्तगाल ने क्या किया आपका घोषणा करी है गांधी पुरस्कार देने की। अभी भारतीय प्रेसिडेंट कहाँ की यात्रा पे थे, पुर्तगाल की यात्रा पे हैं। तो इस दौरान वहाँ पे क्या किया गया आपका, पुर्तगाल के जो वर्तमान समय पे वहाँ, ठीक है, वहाँ के प्रधानमंत्री आपके एंटोनिया कोस्टा, ठीक है, एंटोनिया कोस्टा ने क्या करा आपका, अनाउंस करा कि वो क्या देंगे, गांधी शिक्षा पुरस्कार के रूप में स्थापित करेंगे, ठीक है ना। पुर्तगाल प्राइम मिनिस्टर एंटोनिया कोस्टा ऑन द थर्सडे अनाउंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गांधी सिविक एजुकेशन अवार्ड, जबकि वहाँ पे किस कौन थे अभी वहाँ की यात्रा पर, भारतीय राष्ट्रपति यात्रा पे वहाँ के, ठीक है। अब पुर्तगाल यहाँ पे नाम आया बच्चा, तो पुर्तगाल से जुड़ी हुई हर एक वो पहलू जो हमें जानने चाहिए उसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए पुर्तगाल की कैपिटल कहाँ पर है, तो इसकी कैपिटल का नाम क्या बच्चा आपका, लिस्बन इसकी कैपिटल हो गई, ठीक है। करेंसी की बात करेंगे हम लोग, करेंसी क्या है इसकी बच्चा, तो यूरो इसकी करेंसी हो गई, क्लियर हो गया। अब ये पूछा जाए इसकी लोकेशन जान लेते हैं, लोकेशन कहाँ पे है पुर्तगाल की, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं भारत की खोज किसने करी थी, वास्को डी गामा ने, और वो कहाँ से आया था आपका, पुर्तगाली से आया था, ठीक है ना। यानी भारत आने वाले पहले भी कौन थे, पुर्तगाली, और सबसे बाद में जो भारत से गए वो भी कौन थे। यानी कई बार पूछा जाता है हिस्ट्री में कि भारत आने वाले पहले विदेशी कौन थे और भारत से वापस जाने वाले अंतिम भी यही लोग थे, ठीक है। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चा, तो इसे आप लोग ध्यान देना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, और अगला टॉपिक ये रहा आपका, आपके सामने यहाँ पे ध्यान दीजिए इसकी लोकेशन जाननी है आप लोग, ठीक है। ये रहा पुर्तगाल आपका, ये मैप जो दिख रहा है बच्चा आप लोगों को, ठीक है। तो ये इसकी कैपिटल जो हो गई यहाँ पे पुर्तगाल की जो कैपिटल है बच्चा, लिस्बन, ये रहा आपका लिस्बन, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है ये ध्यान देना, ठीक। अब इसके जो बॉर्डर पे है कौन कौन इसको टच कर रहा है, तो याद रखिए ये यहाँ पे स्पेन इसको टच कर रहा है, और जस्ट नीचे ये देख लीजिए बच्चा, जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था ना कि ये वाला पोर्शन दिख रहा है आप लोगों को, ये पूरा का पूरा कौन सा पोर्शन है बच्चा यहाँ पे, तो ये देख लेना है, ये है आपका मेडिटेरियन सी वाला, समझ रहे हो, मेडिटेरियन सी का पोर्शन है जस्ट नीचे, यानी कि भूमध्य सागर दिख रहा होगा आप लोगों को नीचे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग मोरक्को, ये आपका मोरक्को यानी कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये नीचे अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और जहाँ मैं ये मार्क कर रहा हूँ बच्चा, ये क्या है आपका, यूरोप कॉन्टिनेंट है। इसके बीच में आप लोगों को क्या दिखेगा यहाँ पे, जिब्राल्टर स्ट्रेट दिखेगा बच्चा, ये जहाँ मार्क कर रहा हूँ मैं बच्चा, ये क्या है आपका, जिब्राल्टर स्ट्रेट, जो क्या करती है आपकी, यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, और इसे क्या बोलते हैं आपका, गेटवे ऑफ मेडिटेरियन सी, यानी कि भूमध्य सागर का द्वार भी कहा जाता है, जिसे मैं मार्क करके बता रहा हूँ आप लोगों को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है जो एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। जिब्राल्टर स्ट्रेट किन दो कॉन्टिनेंट को अलग करती है, हाँ कंट्री की बात करेंगे तो जस्ट पुर्तगाल से लगा है आपका स्पेन, स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। मोरक्को कहाँ पे हो गया आपका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर, और स्पेन कहाँ हो गया आपका, यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर। ये भी समझ लेना बच्चा, अगर यहाँ से स्टैटिक जी का वाला कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो मैंने आपका यहाँ पे क्लियर कर दिया। आगे चलते हैं हम लोग, पाकिस्तान के लिए जासूसी करते नौसेना के 7 अफसर गिरफ्तार किए गए। अब हमें ये नहीं जानना कि 7 किए 8 किए गए, ठीक है। यहाँ पे जो GS का क्वेश्चन बन सकता है वो क्या बन सकता है आपका, ऑपरेशन डॉल्फिनोज, ये रहा बच्चा आपका ऑपरेशन डॉल्फिनोज क्या था, अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है रिसेंटली चर्चा में रहा ऑपरेशन डॉल्फिनोज क्या था, ठीक है, तो डॉल्फिनोज के बारे में बता देता आप सभी लोगों को, ये रहा आपके सामने। यहाँ पे क्या हुआ आपका, आंध्र प्रदेश AP पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियां, चाहे आपकी CBI हो गई, SIT हो गई, नौसेना की इंटेलिजेंस विंग, भारतीय नौसेना की जो इंटेलिजेंस विंग है उनके द्वारा क्या किया आपका,
मिलकर आपका एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम क्या दिया गया आपका, ऑपरेशन डॉल्फिनोज, जिसे मैं मार्क करना बचा यहाँ पे, ठीक है ना, ऑपरेशन डॉल्फिनोज नाम दिया गया इसे, ठीक है। इसके तहत क्या किया गया आपका, जो यहाँ पे उनके लिए जासूसी करते थे, पाकिस्तान के लिए जासूसी करते जो अफसर वगैरह, ठीक है, नौसेना इंडियन नेवी के, उन्हें पकड़ा गया, ठीक है। तो याद रखना बच्चा, हमें सिर्फ और सिर्फ याद रखना है ऑपरेशन डॉल्फिनोज क्या चीज़ है, ठीक है ना। ऑपरेशन डॉल्फिनोज क्लियर हो गया यहाँ पे। आगे चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक ये रहा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, गूगल पे अभी क्या लगाया गया आपका, 1184 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। 1184 करोड़ का जो जुर्माना लगाया गया, किसने लगाया आपका, तो ये लगाया गया बच्चा आपका फ्रांस के द्वारा। फ्रांस के द्वारा यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ ये जानना है कितना लगाया गया, अमाउंट क्या आपकी 1184 करोड़ की, और किसने लगाया आपका बच्चा, तो फ्रांस ने लगाया। फ्रांस पहले अनाउंस कर चुका है गाफा टैक्स के लिए। गाफा का मतलब गूगल, अमेजोन, फेसबुक, ओरकल, पहले ही डिसाइड कर चुका है, ठीक है ना। तो याद रखना बच्चा आपका, फ्रांस ने अभी ही लगाया, रिसेंटली ये टैक्स भी लगाने की घोषणा की थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अंडर 19 विश्व कप के लिए भारतीय टीम रवाना है, यानी कि अंडर 19 जो विश्व कप होगा ये कहाँ पे होगा, अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है, क्योंकि अभी जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा, 17 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, और कहाँ पे होगा, तो याद रखना बच्चा ये कहाँ पे होने वाला आपका, साउथ अफ्रीका के अंदर होगा। अंडर 7 जो 19 आपका विश्व कप होगा 2020 में, तो कहाँ पे होगा ये होगा बच्चा आपका साउथ अफ्रीका के अंदर होगा। इसे भी आप लोग नोट कीजिए, जो इमेज आप लोगों को दिख रही सामने उसमें से ये है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग कुछ करंट के क्वेश्चनों की ओर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहले हम लोगों ने कुछ टॉपिक क्लियर करे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका, जैसे कि पहला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिसेंटली क्राउन मिस वर्ल्ड 2019 का मिस वर्ल्ड का खिताब किसे दिया गया। इस वीक के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने पढ़ी होगी, क्योंकि आज वीक है आपका, तो मैंने बताया था सैटरडे को कुछ रिवीजन चीज़ें भी होती है आपकी, ठीक है, रिपीटेड भी होती है। निम्नलिखित में से हाल में ही मिस वर्ल्ड 2019 का ताज किसे पहनाया गया, ठीक है, तो ये किसे दिया गया बच्चा आपका, टॉनी एन सिंह को दिया गया, ठीक है ना। यानी इनका नाम क्या है, टॉनी एन सिंह को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा, ये रहा आपका टॉनी एन सिंह, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है ये कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करती है, तो ये है जमैका, ठीक है ना, कहाँ रिप्रेजेंट करती है, जमैका, टॉनी एन सिंह, जो कि 2019 का मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है इन्होंने, और किस कंट्री को रिप्रेजेंट करती है, तो कंट्री है बच्चा आपकी जमैका, वो कंट्री है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग, वर्ष 2019 के लिए फोर्ब्स की जो शीर्ष 100 भारतीय हस्तियों की सूची में पहले स्थान पे कौन है, यहाँ पे क्या पूछा गया बच्चा आपका, हु वॉज रैंक द फर्स्ट इन द फोर्ब्स टॉप 100 इंडियन सेलिब्रिटी लिस्ट फॉर द ईयर 2019, 2019 के लिए इस लिस्ट के टॉप पे कौन है, तो यहाँ पे याद रखना बच्चा आपका कौन है, डी विराट कोहली, समझ रहे हो, यहाँ पे कौन आएगा बच्चा आपका, विराट कोहली द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम वॉज रैंक्ड फर्स्ट इन द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ टॉप 100 सेलिब्रिटी ऑफ इंडिया। अक्षय कुमार इज द सेकंड प्लेस एंड सलमान खान इज थर्ड प्लेस। फर्स्ट तीन तो याद रखना है बच्चा, यहाँ पे फर्स्ट तीन को आप लोगों को याद रखना है, पहले तीन कौन कौन है, ठीक है। पहले मैंने आपको बता दिया विराट कोहली जो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन है, पहले नंबर पे हो गए, वॉज रैंक द फर्स्ट इन फोर्ब्स लिस्ट, ठीक है, टॉप 100 सेलिब्रिटीज में से। सेकंड नंबर पे अक्षय कुमार, इन्हें रोड सेफ्टी का, भारत के अंदर सड़क सुरक्षा का क्या चुना गया था, इन्हें ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया, ये भी याद रखें। और थर्ड प्लेस पे कौन है आपके, सलमान खान तीसरे स्थान पे है। ये सारे के सारे नाम पहले टॉप थ्री तो याद रखना ही आप लोगों को, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ विश्व भर की क्या करिए आपके, जो पावरफुल महिलाओं की जो सूची जारी करी गई उसमें निर्मला सीतारामन जी का नाम कौन सा है, 34वाँ टॉप पे कौन है, तो एंजेला मर्केल है। देखो ये सारी की सारी लिस्ट है, आपके दिमाग में होनी चाहिए कि कौन कौन सी लिस्ट जारी हो चुकी है, समझ रहे हो। जैसे कि आपका यूपीपीसीएल के अंदर पूछा गया था कि भारतीय जो सबसे रिचेस्ट भारतीयों की लिस्ट में सेकंड नंबर पे कौन सा था, तो वहां पे क्या आया था, उस आंसर क्या था, गौतम अडानी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। फोर्ब्स के शीर्ष जो 100 भारतीय हस्तियों में से सूची 2019 में शीर्ष 5 में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति शामिल नहीं है, टॉप आपके 5 में शामिल है। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटी डज नॉट फीचर इन द टॉप 5 ऑफ द फोर्ब्स टॉप 100 इंडियन सेलिब्रिटी लिस्ट में, तो इनमें से कौन सा नहीं है बच्चा आपका,
तो टॉप फाइव में कौन नहीं है आपका? पहले तीन तो बता दिए मैंने आप लोगों को, विराट कोहली हो गए, दूसरे नंबर पे कौन हो गया आपके? अक्षय कुमार, तीसरे सलमान खान। ठीक है, तो इनमें से ध्यान देना कौन नहीं आपका, शाहरुख खान टॉप फाइव में नहीं है, समझ रहे हो? टॉप फाइव में शाहरुख खान नहीं है, यहाँ पे ध्यान देना बच्चा, ठीक है ना? यहाँ पे देख लीजिए टॉप फाइव लिस्ट में जो आपका आएगा इंक्लूड अक्षय कुमार, दूसरे नंबर पे, तीसरे पे सलमान खान हो गए, थर्ड रैंक पे अमिताभ बच्चन, और समझ रहे हो आप लोग, सॉरी फोर्थ पोजीशन पे अमिताभ बच्चन हो गए, और शाहरुख खान किस में आपका, ठीक है ना? ये टॉप फाइव रैंक में नहीं, जबकि इनका रैंक है छठा रैंक है, ये समझ रहे हो आप लोग? काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन्हें आप लोग साथ ही साथ नोट भी करते रहें। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, हु अमंग द फॉलोइंग अनाउंस द हिज डिसीजन टू स्टेप डाउन फॉर महिंद्रा ग्रुप एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। महिंद्रा जो समूह का कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पद छोड़ने की घोषणा किसने करी अभी, किसके द्वारा ऐसी घोषणा की गई? तो बच्चा वो है आपके आनंद महिंद्रा, आनंद महिंद्रा जिन्होंने 20 दिसंबर को ये डिसीजन लिया है। बहुत सारे बच्चों को अभी समय का टाइम का ध्यान नहीं होगा, करंट अफेयर की जो क्लास है आपकी उसका टाइमिंग चेंज हो गया है, ठीक है? अब वो आपकी क्लास कब से, डेली आपकी मॉर्निंग में 6 से लेकर 7 बजे होगी, और इसका मैंने आप लोगों को पहले से शेड्यूल में डाला हुआ था, तो आप लोग रिमाइंडर लगा सकते हो। यदि आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा तो इस दौरान आप लोग रिमाइंडर लगा सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार की घोषणा किस राष्ट्र ने की है? विच नेशन हैज अनाउंस द गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन अवार्ड? अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आप लोगों को, ठीक है? अभी स्टार्ट में बताया था किसने करे बच्चे, आपका पुर्तगाल के द्वारा की गई है। पुर्तगाल की लोकेशन बताया मैंने कि यहाँ के कंट्री जो करेंसी कौन सी है, तो ये यूरो जोन में आती है आपकी, ईयू का क्या है, मेंबर है, ठीक? और कौन से कॉन्टिनेंट में आता है आपका, ये जरूर याद रखना, अगर अभी चर्चा में आया तो यहाँ से हमें क्वेश्चन बन सकता है, और उससे संबंध मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी है। स्टार्टिंग में ही आप लोगों को मैंने चीज़ें बता दी थी कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, विच आर्टिलरी, जो आपका आर्टिलरी मिसाइल सिस्टम वॉज द सक्सेसफुली टेस्ट बाय DRDO, यानी कि भारतीय डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द चांदीपुर रेंज ऑफ ओडिशा रिसेंटली। कहाँ से? ओडिशा से अंदर, ठीक है? हाल ही में ओडिशा के चांदीपुर रेंज से DRDO द्वारा किस तोप मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया? तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चा आपका, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा आपका पिनाक मार्क टू का सफल परीक्षण किया गया, ठीक है? और ये किसके द्वारा विकसित किया गया आपका, DRDO के द्वारा, और DRDO जो किस मंत्रालय के अधीन आता है, रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, और इसकी जो स्थापना हुई थी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश 1958, ठीक है? इसकी स्थापना कब होती है, 1958 में होती है। सी सतीश रेड्डी वर्तमान समय पर क्या है बच्चे, इसके चेयरमैन है, यानी कि DRDO के चेयरपर्सन है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या रहा आपका, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने अगला क्वेश्चन, विच एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रिसेंटली डेवलप द प्रोसेसिंग ग्रेड ऑफ द व्हाइट ओनियन वैरायटी ऑफ द कॉमर्शियल फार्मिंग, ठीक है ना? याद रखना अभी क्या किया गया आपका, ग्रेड व्हाइट जो आपका प्याज किस्म को विकसित किया है, ये ऐसा किसके द्वारा किया गया या कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा ऐसा किया गया? तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा ऐसा किया गया, ठीक? और साथ ही साथ बाकी चीज़ें भी समझा देता हूँ आप लोगों को। ये तो क्या है आपका, एक ग्रेड अपग्रेड, ठीक है ना? जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रिसेंटली डेवलप द प्रोसेसिंग ग्रेड आपका व्हाइट ओनियन वेराइटी फॉर द कॉमर्शियल फार्मिंग। अब यहाँ पे ये तो आपका क्वेश्चन पूछ गया, लेकिन इसके साथ साथ आपसे अगर पूछता है कि भारत की पहली जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी आपकी वो कौन सी थी, तो पंतनगर आपकी पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, वो कहाँ पे आपका, उत्तराखंड के अंदर पंतनगर में, जो कि 1960 में जिसकी स्थापना की गई थी। उसके साथ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है आपका वो कहाँ पे, वो दिल्ली के अंदर है। तो ये चीज़ें जरूर ध्यान देना कि एग्जाम में पूछा जाता है एग्रीकल्चर से संबंधित, वो आप लोगों को वो भी याद रखना, ठीक है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन के सामने, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन क्रिएटिव नॉन फिक्शन कैटेगरी इन इंग्लिश लिटरेचर। कल भी बताया था मैंने आप लोगों को क्वेश्चन के बारे में, अब जो क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कल भी ये लेक्चर नहीं देखा था क्योंकि टाइमिंग चेंज हो गई, तो बहुत सारे बच्चे इन क्वेश्चनों को नहीं कर पाए, ठीक है? क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, साहित्य एकेडमी अवार्ड जो आपका
दिया गया है। किसे दिया गया, यानी कि अभी तो याद रखना बच्चा आपका, किसे दिया गया आपका, सी आएगा शशि थरूर, समझ रहे हो। कल भी बताया था मैंने आप लोगों को कि शशि थरूर को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। शशि थरूर जो कि किस लिए, ये क्या है आपके राइटर और कांग्रेस के क्या है नेता है, ठीक है, एमपी है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शशि थरूर को किस चीज के लिए दिया गया, उनकी कौन सी बुक के लिए अवार्ड दिया गया, एन एरा ऑफ द डार्कनेस के लिए दिया गया। यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ बच्चों, मैं ये देख सकते हैं आप लोग, एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए उन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये भी याद रखें आप लोग, ठीक है ना। एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए उन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये देख लीजिए, जो मैंने कल बताया था आप लोगों को द इंडियन एक्सप्रेस, यानी जो सोर्सेज है वहाँ से अगर मैंने लिया, ठीक है ना, तो याद रखना ये बुक पूछी गई जाएगी आपसे एग्जाम में। साहित्य अकेडमी की बात करते हैं हम लोग, साहित्य अकेडमी जो कि कब स्टैब्लिश हुई थी आपकी, तो 1954 में, 1954 में इसकी स्थापना होती है, 1954 में इसकी स्थापना होती है। और जो लिटरल अवार्ड है किसके द्वारा दिया जाता है, मैंने आपको बताया था भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, जिसके लिए साहित्य अकेडमी बनाई गई स्पेशली, और ये किसके अधीन आता है आपका, भारत सरकार का एक क्या है, ठीक है ना, अधीन आता है। आगे चलते हैं हम लोग, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल साथी कार्यक्रम शुरू किया है, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्च जल साथी प्रोग्राम, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या तेलंगाना। जल साथी अभी एक प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसके तहत क्या होगा वो भी समझा देता हूँ आप लोगों को, ये किसने करा शुरू आपका, यानी जो क्वेश्चन आपके सामने है उसका राइट आंसर तो क्या आएगा आपका, उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक लॉन्च द जल साथी प्रोग्राम ऑन दिसंबर 18, 2019। इसमें एम क्या रखा गया, एक टारगेट क्या रखा गया, इंश्योर द आपका सप्लाई सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल हाउस होल्डर इन द स्टेट, राज्य के अंदर जितने भी क्या हाउस होल्डर हैं उन्हें सेफ ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाने का टारगेट रखा गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग याद रखें। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे याद रखना बच्चा आपका, और यहाँ के सीएम कौन है, तो मैंने आप लोगों को बताया था सीएम कौन है आपके, नवीन पटनायक यहाँ के सीएम हो गए, और गणेशी लाल यहाँ के क्या हो गए, गवर्नर यहाँ के गणेशी लाल हो गए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन के सामने, इंडिया साइंड द इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी विद द विच नेशन, किस देश के साथ भारत ने डिफेंस जो टेक्नोलॉजी हस्तांतरण करने की क्या करी, अभी घोषणा करी है, तो आप लोगों को मैंने बताया था डायलॉग 2+2 जो अभी चल रहा है आपका, कहाँ पे, वॉशिंगटन के अंदर, जहाँ पे भारत की तरफ से कौन दो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक तो भारतीय डिफेंस मिनिस्टर, भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, और भारतीय विदेश मंत्री जो फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर है आपके एस जयशंकरन, इस डायलॉग में आपका यानी कि इस बैठक में भाग ले रहे हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ आप लोगों को। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आता है बच्चा आपका, ए यूनाइटेड स्टेट। कल का लेक्चर नहीं देखा जिन बच्चों ने, कल भी मैंने ये क्वेश्चन कराए थे, उसकी वजह यही है कि कल का लेक्चर आप लोग नहीं देख पाए थे क्योंकि अब टाइमिंग चेंज हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, गोवा मुक्ति दिवस हर साल कब मनाया जाता है, व्हेन द गोवा लिबरेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष गोवा मुक्ति दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, तो ये क्वेश्चन भी कल कराया था मैंने आप लोगों को, प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है, 19 दिसंबर को क्या मनाया जाता है आपका, गोवा लिबरेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, उसकी वजह बता देता हूँ बच्चे आप लोगों को, यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, भारतीय सेना के द्वारा क्या चलाया जाता है आपका, ऑपरेशन विजय अभियान चलाया जाता है 19 दिसंबर 1961 को, इसमें क्या किया जाता है आपका, ठीक है, टारगेट को अचीव किया जाता है, और इस दौरान इंडियन आर्मी के द्वारा लिबरेट यानी गोवा को मुक्त किया जाता है, द्वीप दमन जो आपके ये है, ठीक है, और किससे, पुर्तगालियों से, तो मैंने आप लोगों को बताया था भारत की खोज किसने करी, वास्को डिगामा ने करी, वास्को डिगामा यानी कि पुर्तगाली था, भारत आने वाले पहले विदेशी भी पुर्तगाली थे, और भारत से वापस लौटने वाले पहले जो जो सबसे लास्ट में लौटने वाले भी पुर्तगाली ही थे, समझ रहे आप लोग, पुर्तगाल से जो लोग आए थे वो पहले भारत सब भारत आने वाले पहले विदेशी भी थे, स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था आप लोगों को। साथ ही साथ पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था, तो 1510 ईस्वी में, 1510 इस में, ठीक है ना, 1510 में क्या कर लिया था, गोवा पर पूरा का पूरा अधिकार कर हो गया था, किसका, पुर्तगालियों का, समझ रहे आप लोग, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसे भी साथ ही साथ आप लोग याद रखें बच्चा, ठीक है ना।
नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, विच सीबीआई ऑफिसर हैज वॉन द इंडियन साइबर कॉफ ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड फॉर नास्कॉम डीएससीआई। ठीक है, अभी ये पुरस्कार जीता है, इंडिया साइबर कॉफ ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जीता है। तो ये किसके द्वारा, किसे दिया गया आपका, तो ये दिया गया बच्चा आपका बीपी राजू को। बीपी राजू वॉन द इंडियन साइबर कॉप ऑफ द ईयर 2019 नेस्कॉम डीएसआईसी अवार्ड जिन्हें दिया गया। ठीक है, तो याद रखना बच्चा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, ठीक है ना। इन्होंने क्या करा था बच्चा आपका, राजू हैज द इन्वेस्टिगेटेड केस ऑफ एक्सपोर्ट द फ्रॉड इन ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जो ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम एग्जामिनेशन का जो फ्रॉड होता है उसके लिए, ठीक है, तो याद रखना बच्चा आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, इसे आप लोग अच्छे से याद रखना। नेस्कॉम डीएससीआई जो अवार्ड दिया गया, या एक पर्सन चुना गया, किसे चुना गया बच्चा आपका, बीपी राजू को, जो कि क्या है, भारतीय, ये सीबीआई से संबंधित है, क्राइम ब्रांच ऑफ इंडिया, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, विच इंडियन स्पिनर बिकम द फर्स्ट इंडियन टू टेक हैट्रिक ट्वाइस इन द इंटरनेशनल क्रिकेट। इन्होंने क्या करा आपका, आपका किस भारतीय स्पिनर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दो बार हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय बने, तो वो कौन है बच्चा आपका, तो ये है आपके कुलदीप यादव, और इन्हें चाइना मैन के नाम से भी जाना जाता है। कुलदीप यादव को चाइना मैन के नाम से भी जाना जाता है। जो भी बच्चे चैनल से नए जुड़े, पहली बार अगर चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो वो चैनल को लाइक भी करें और शेयर भी करते रहे, ठीक है ना। वीडियो को आप लोग लाइक करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करते रहे चैनल को, क्योंकि आपको देखो ये सारी सारी चीज़ें मैं बार बार रिपीट क्यों करता हूँ, जिससे कि आप लोगों को चीज़ें याद हो जाए, ठीक है ना। हमेशा से मैंने क्या कहा है, रिवीजन इक्वल टू सक्सेस। जब तक आप लोग रिवीजन नहीं करोगे, सक्सेस कैसे होंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक भी करते रहना बच्चा आप। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, पीएम मोदी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक हाल में ही ब्रेल संस्करण में क्या किया गया, लॉन्च की गई है, ठीक है ना। Which book written by the PM Modi was recently launched in Braille edition? ठीक है, तो Braille edition क्या होता है, जो लोग, जो blind लोग होते हैं, यानी कि उनके लिए जो script होती है, जो लिपि होती है, उसे क्या बोलते हैं, Braille लिपि कहा जाता है। तो हमें यहाँ पे और कुछ ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि Exam Warriors किसकी बुक है, और ये अब तक लगभग कितने सारे एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो याद रखना रिसेंटली आपसे अगर एग्जामिनर पूछता है तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक आता आपका एग्जाम वॉरियर्स। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, विच स्टेट असेंबली हैड द स्पेशल सेशन टू पास रिसोल्यूशन टू ब्रिंग स्टेट अंडर द इनर लाइन परमिट। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, आईएलपी मैंने आपको बताया था कि आईएलपी का मतलब क्या है, समझ रहे हो, और आईएलपी अब तक कितने राज्यों में आपका लागू है, ये चीज थोड़ा समझना पड़ेगा आप लोगों को, इनर लाइन परमिट क्या चीज है। कल भी बताया था और कई बार पहले भी बता चुका हूं कि इनर लाइन परमिट क्या है आपके। ठीक, यहाँ पे जो बच्चे अभी अभी चैनल से जुड़े हुए हैं, अभी अभी जो अभी चैनल पे लाइव आए हैं, उन बच्चों को मैं बता देता हूँ बच्चा, आपका करंट अफेयर की क्लास टाइमिंग चेंज हो गई है। अब करंट अफेयर की जो आपकी टाइमिंग है वो मॉर्निंग में 6 से लेकर 7 हो चुकी है, ठीक है ना। मॉर्निंग में 6 बजे से स्टार्ट हो जाती है और 7 बजे तक ये क्लास डेली रहती है। आप लोग तो इसी समय पर डेली लाइव आ जाइए, ठीक है, क्योंकि उस समय पर सैलन सर की भी इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास चल रही थी, तो पैरेलल आप लोगों की क्लास हो रही थी उस समय पे, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना बच्चा, अभी किसने करा है, मेघालय स्टेट ने एक स्पेशल सेशन बुलाया गया, ठीक है। तो याद रखना इनर लाइन परमिट भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन 4 राज्यों में पहले से ही लागू है, जबकि आपका मणिपुर के अंदर, सॉरी आपका नागालैंड में अभी अभी क्या किया गया, इसे लागू किया गया था, ठीक है। सॉरी आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या है आपका, ठीक है, तो सी इसमें राइट आंसर आएगा, यानी कि किसने करा आपका, मेघालय, ठीक, सी इसका राइट आंसर है, आईएलपी यानी कि इनर लाइन परमिट, इसे जरूर याद रखना बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2007 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री, यानी कि इनकी क्या, गैर आपातकाल के लिए मृत्युदंड दिया गया था इन्हें, ठीक है, अभी दिया गया इन्हें, तो कौन है आपका, पाकिस्तान के, याद रखना आपका, पाकिस्तान की एक अदालत ने लगभग आपका राष्ट्रपति परवेज मुशरफ को क्या किया गया, राष्ट्रद्रोह के सजा सुनाएगी, ठीक है। नवंबर 2007 में इन्होंने क्या किया था आपका, अतिरिक्त संवैधानिक आपातकाल लगाने के संबंध में आरोप लगाया गया इन पे, ठीक है। तो याद रखना बच्चा आपका, पाकिस्तानी
पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा सुनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। भारत को जेंडर गैप इंडेक्स 2019 में किस स्थान पर रखा गया? जेंडर गैप इंडेक्स में भारत को किस स्थान पे रखा गया? तो वो स्थान है बच्चा आपका 112। ठीक है, यानी कि 112वां रैंक है। ये क्वेश्चन मैं लगभग आपको दो तीन बार करा चुका हूँ, रीजन उसका यही है बच्चा कि जिससे कि आपको चीज़ें याद हो। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँ और उसके बाद आप उसे याद ना करें। कंटेंट को रिविजन करने से आप लोगों को क्या हो जाएगा, याद भी होता रहेगा। ठीक है, और लास्ट टाइम इंडिया की जो रैंक थी 2008 में 18 में वो 108 रैंक थी। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। जेंडर गैप इंडेक्स 2019 में कौन सा देश सबसे टॉप रैंक पे है? तो वो टॉप रैंक पे कौन सा आपका, आइसलैंड। ठीक है ना, कौन है बच्चा आपका, आइसलैंड सबसे टॉप रैंक पे। नेक्स्ट आपका, अभी आपका, विच कंट्री इज द सेट अप टू बिकम फर्स्ट एशियन कंट्री टू होस्ट इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस? तो कौन करेगा होस्ट बच्चा आपका, इंडिया होस्ट करेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या आएगा आपका, हु विल बी द नेक्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? भारतीय सेना के अगले प्रमुख कौन होंगे? यानी कि दिसंबर 31 दिसंबर 2019 को भारतीय सेना प्रमुख बिपिन रावत या क्या होंगे, अपने पद से रिटायर हो जाएंगे, तो उनके स्थान पर कौन होंगे आपका? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा आपका, ठीक है ना, मनोज मुकुंद नारवे। ठीक है ना, ठीक है, मनोज मुकुंद नारवे क्या होंगे, अब भारत के नए भारतीय सेना प्रमुख होंगे। उसके साथ साथ याद रखना बच्चा, मैंने आपको बताया था रक्षा क्षेत्र में एक नया पद आएगा आपका, वो पद कौन सा है आपका, CDS। समझ रहे हो, रक्षा क्षेत्र में अभी इंडिपेंडेंट डे पे भारतीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा क्या किया गया था, अनाउंस किया गया था कि भारतीय रक्षा क्षेत्र में तीनों आर्मियों को, नौसेना, थल सेना और वायुसेना, तीनों को मिलाकर क्या होगा, एक उनसे इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए एक नया पद जोड़ा जाएगा। उस पद को क्या नाम दिया गया आपका, CDS। CDS यानी कि आपका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और पहले CDS के रूप में किसे चुना गया, बिपिन रावत को चुना गया। तो ये आपका GS का भी क्वेश्चन बनता है और हिस्ट्री का क्वेश्चन, सॉरी आपका आपका GK क्वेश्चन बन जाएगा आने वाले समय पे। जैसे भारत के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष हैं। ठीक है, पहले लोकपाल हमेशा आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि लोकपाल बिल के संबंध में मैं आप लोगों को सारी चीजें पहले भी क्लियर कर चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, व्हाट वाज द नेम जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज रिसेंटली हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल? तो जब भी इंडिया और नेपाल की बात करते हैं, ये भारत और नेपाल की जो सेना है इनके मध्य होता आपका, और कौन सा है आपका, सूर्य किरण। भारत और नेपाल के नाम जब भी आएगा तो सूर्य किरण का नाम आएगा। ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, भारत और नेपाल की जब बात करेंगे हम लोग तो राइट आंसर क्या आएगा आपका, यही क्वेश्चन इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या रहा आपका, अगला क्वेश्चन, विच यूनिवर्सिटी हैज द रिसेंटली डेवलप्ड रोबोट सुरेना? बस यहाँ पे हमें सुरेना याद रखना है बच्चा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि भारत का पहला जो वो रोबोट था आपका, ठीक है, वो कौन सा आपका, टेलीस्कोप रोबोट है आपका, तो ग्रोथ फर्स्ट बताया था मैंने आप लोगों को, वो जो कि आपका कहाँ पे, लेह के अंदर लगाया गया आपका। ठीक है, लेह में क्या किया गया, उसे इस्टेब्लिश किया गया। तो उसी तरह से विच यूनिवर्सिटी हैज रिसेंटली डेवलप्ड द रोबोट सुरेना दैट कैन स्पीक ट्रांसलेट 100 लैंग्वेज? ये क्या कर सकता है, 100 भाषाओं को बोल सकता है और उन्हें अलग अलग भाषाओं में क्या कर सकता है, ट्रांसलेट भी कर सकता है। ठीक है, विश्वविद्यालय के द्वारा रोबोट सुरेना को विकसित किया गया जो कि 100 भाषाओं को बोल सकता है और उसे अनुवाद भी कर सकता है। तो किसके द्वारा किया गया बच्चा आपका, तेहरान यूनिवर्सिटी। तो अब जब भी आपके सामने सुरेना का नाम आएगा, ठीक है ना, SURENA, ठीक है, सुरेना का नाम आएगा, तो आपको समझ में आना चाहिए ये क्या आपका एक रोबोट है जो क्या करता है आपका, बहुत सारी भाषाओं को बोल भी सकता है, 100 एवरेजन आपके 100 लैंग्वेज को। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, और साथ ही साथ बच्चे वीडियो को लाइक भी करते रहें, आप लोग जितने भी बच्चे लाइव आ रहे हैं वीडियो को लाइक भी करते रहें। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि दक्षिण एशियाई साहित्य के लिए 2019 में DSC पुरस्कार किसने जीता है, हु ऑन द 2019 DSC प्राइज फॉर साउथ एशियन लिटरेचर, साउथ एशियन लिटरेचर के लिए
डीएससी पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया बच्चा आपका किसे, अमिताभ बागची को दिया गया, ठीक है। अमिताभ बागची को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, डी याद समझ रहे आप लोग, इंडियन ऑथर अमिताभ बागची हैज वॉन डीएससी प्राइज फॉर द साउथ एशियन लिटरेचर 2019 फॉर द हिज नोवेल हाफ द नाइट इज गॉन, समझ रहे हो, हाफ द नाइट इज गॉन के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। आने वाले जो अगले 6-7 महीने होंगे बच्चा, वहाँ के लिए आप लोगों को जो बुक है मैंने यहाँ पे बताई अब तक, उन बुकों को एक जगह पे लिखिए। अभी जैसे मैंने बताया शशि थरूर जी की जो बुक थी वो भी आप लोगों को लिखनी है, एग्जाम वॉरियर्स बताया वो भी आप लोगों को एक साइड लिखनी है, ठीक है, और हाफ द नाइट इज गॉन ये बुक भी आपको एक जगह पे लिखनी है। उसकी वजह मैंने आपको बताया, ये एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे आपका जिसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, जिस बुक के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया, जिन बुकों के लिए आपका व्यास सम्मान दिया गया, मैन बुकर प्राइज दिया गया, अगले आने वाले समय पर एग्जामिनर आपको इन बुकों के बारे में एग्जाम में आपको मिल सकता है। और कई बार क्या होता है, बैक टू बैक 2 से 3 बुकें पूछी जाती है, समझ रहे हो। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। श्रीराम लागू पास्ड अवे एट द एज 92 ईयर ऑन दिसंबर 17। ही वॉज ऑन द ग्रेटेस्ट एक्टर ऑफ द थिएटर इंडस्ट्री, कौन सी थिएटर इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट एक्टर इन द दिस थिएटर इंडस्ट्री, तो आपका किससे, मराठी से, समझ रहे हो आप लोग। श्रीराम लागू जिनका अभी रिसेंटली निधन हुआ, तो आपसे एग्जामिनर पूछता है श्रीराम लागू जिनका निधन हुआ ये किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो किस क्षेत्र से, आपका फिल्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ठीक, और कौन से थिएटर से, यानी कि मराठी भाषा से जुड़े हुए। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जो मैं आप लोगों को कल भी बता चुका हूँ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या आएगा आपका, अगला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन के सामने, हु वॉज द रिस्टोरेड द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स, टाटा सन्स के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे बहाल किया गया है, ठीक है, तो किसे किया गया बच्चा आपका, साइरक मिश्री, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, साइरक मिश्री को किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, व्हेन वाज द माइनॉरिटी राइट्स डे ऑब्जर्व, प्रत्येक वर्ष हम लोग अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में कब मनाते हैं, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है आपका, तो 18 दिसंबर को मनाया जाता है। द माइनॉरिटी राइट्स डे ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन दिसंबर 18, समझ रहे हो, और ये अभी कब मनाया गया आपका, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा प्रत्येक वर्ष ये इवेंट सेलिब्रेट किया जाता है, और कब मनाया जाता है आपका, तो ये 18 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली नेम अ स्टार एज बीवा आफ्टर द इंडियन एन इंडियन वुमेन साइंटिस्ट का, ठीक है, तो नासा के द्वारा किया गया, या इसरो, या IAU, या स्पेस एक्स, समझ रहे आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चा यहाँ पे, तो मैंने कल भी समझाया था आप लोगों को, तो ये किसके द्वारा करा गया आपका, IAU यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा रिसेंटली क्या किया गया, एक स्टार का नाम भीवा एंड ऑल्सो नेम इज द प्लानट एज सेंट मार्स आफ्टर इंडिया वुमेन साइंटिस्ट भीवा चौधरी, ठीक है, भीवा चौधरी के नाम पर रखा गया, ठीक है। भीवा लीड द डिस्कवर ऑफ द सब नेक्स्ट चलते हैं बच्चा, अभी ऑल क्लियर है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या रहा आपका, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, मैंने बताया था ना अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, व्हेन इज द इंटरनेशनल माइग्रेंट डे ऑब्जर्व एवरी ईयर, तो ये भी कब मनाया जाता है बच्चा आपका, 18 दिसंबर को मनाया जाता है। और याद रखना बच्चा, मैंने बताया था कि भारत में प्रवासी दिवस के रूप में आप लोग कब सेलिब्रेट करते हो, प्रवासी दिवस 9 जनवरी को, क्योंकि गांधी जी विदेश से जब भारत लौटे थे तो वो डेट कौन थी आपकी, ठीक है, 9 जनवरी की थी। और सभी बच्चे जो भी ग्रुप है बच्चा, उन ग्रुपों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को ये टाइमिंग नहीं पता है कि क्लास मॉर्निंग में
6 बजे से रेगुलर स्टार्ट हो रही है। और इस क्लास के बारे में आप लोगों को मैं बता देता हूँ, यहाँ पे टेक्निकल ही नहीं, हम जो नॉन टेक वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो, करंट, क्योंकि सभी एग्जाम के लिए आपकी कॉमन होती है। और मैं यहाँ पे आपका स्टैटिक जीके भी कवर करा लेता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। तो आने वाले समय पर हम लोग और कुछ इम्प्रूव करेंगे इसमें, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ किस अदालत ने याचिका दायर की गई है? विच कोर्ट हैज टेकन अप टू दे अगेंस्ट पुलिस क्रैक डाउन ऑन द स्टूडेंट्स ऑन जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। तो ये कहाँ पे आपका बच्चा? दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है ना, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आपका? ए, दिल्ली हाई कोर्ट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ये भी मैंने आप लोगों को कई बार समझाया हुआ इस क्वेश्चन में से। हु अमंग द फॉलोइंग हैज चूजन इज द टाइम्स मैगजीन एज द पर्सन ऑफ ईयर 2019 के टाइम्स मैगजीन के जो आपका चुना गया, तो किसे चुना गया बच्चा आपका? ग्रेटा थुनबर्ग। अब ग्रेटा थुनबर्ग के लिए हर एक दिन मैं आप लोगों को बताता हूँ ग्रेटा थुनबर्ग कौन है। इनके द्वारा, ठीक है, ग्रेटा थुनबर्ग के द्वारा क्या किया गया बच्चा आपका? क्लाइमेट चेंज के लिए यानी कि जलवायु परिवर्तन के लिए एक कैंपेन चलाया गया था, और जो वैश्विक स्तर पर, विश्व स्तर पर काफ़ी चला आपका, समझ रहे हो, स्कूल स्ट्राइक। उसके बाद ये चर्चाओं में आए और इन्होंने कॉप जो आपका 25 हुआ कहाँ? स्पेन मैड्रिड के अंदर, वहाँ पे स्पीच भी दिया। और अभी इन्हें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक अवार्ड भी दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार, इंटरनेशनल जो आपका दिखेगा ना बाल शांति पुरस्कार के रूप में सम्मानित भी किया गया, चाइल्ड पीस अवार्ड के रूप में भी इन्हें सम्मानित किया गया। तो ग्रेटा थुनबर्ग इनका नाम है, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। विच स्टेट कैबिनेट हैज द अप्रूवल दिशा एक्ट? दिशा के बारे में बताया ना मैंने आप लोगों को, दिशा एक्ट जो कि अभी क्या किया गया आपका? लागू किया गया, या अभी आपका क्या किया गया, इसको राज्य के अंदर क्या किया गया? मंजूरी दी गई, ठीक है। तो किसके लिए? हैरेसमेंट पेनल्टी फॉर द क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रंस, बच्चों और महिलाओं के खिलाफ जो वहाँ पे क्या होते हैं अपराध होते हैं, उसके लिए दिशा अधिनियम पारित किया गया। अभी एक सुरेना नाम बताया और अभी आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? दिशा। तो याद रखना बच्चा, दिशा अपने आप में एक एक्ट है जो दिखे इस तरह से लॉजिकली क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। आप लोग नोट करना बच्चा, मैंने अभी सुरेना की बात करी तो वो एक रोबोट है, ठीक है। यहाँ पे दिशा है, तो दिशा आपको याद रखना, ये एक एक्ट है जो क्या करेगा, जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रंस के जो पेनल्टी देना, ठीक है ना, हैरेसमेंट पेनल्टी के लिए इसे क्या किया गया? अपराधों के खिलाफ कठोर दंड के लिए दिशा अधिनियम जो अभी पारित करा आपका, तो किसने करा है? आंध्र प्रदेश ने बच्चा, ठीक है। किसके द्वारा किया गया बच्चा आपका? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ये किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा आपका एपी। अब आंध्र प्रदेश में ये आपका अभी अभी लॉन्च हुआ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन के सामने, और इसमें मैंने आपको बताया था कि विद इन 14 जो वर्किंग डे होगा उसमें क्या की जाएगी आपकी? सुनवाई की जाएगी। और जो पेनल्टी की बात की गई है जो दिशा एक्ट के अंदर, विद इन आपका जो 21 वर्किंग डे के अंदर क्या की जाएगी? इसमें पूरा फाइनली सुनवाई की जाएगी, ऐसा इसमें कहा गया, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार ने किस एयरलाइन में अपनी 100% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? तो वो कौन सी आपकी? एयर इंडिया। ए इसका राइट आंसर है, एयर इंडिया की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर जिन्होंने पहला कार्यवाहक निदेशक के रूप में चुना गया, तो आपका ग्रैम स्मिथ को। याद रखना बच्चा, 2023 में भारत में क्या होंगे? वर्ल्ड कप होंगे, ठीक है। और वर्ल्ड कप के लिए इन्हें क्या चुना गया है? एक कार्यवाहक निदेशक के रूप में चुना गया, समझ रहे हो, एक्टिंग डायरेक्टर के रूप में किसे चुना गया? ग्रैम स्मिथ को, साउथ अफ्रीकन टीम के। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। और याद रखना, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों को, अंडर 19 जो वर्ल्ड कप होगा आपका 2020 में और 17 जनवरी से शुरू हो रहा है, ये कहाँ पे हो रहा है? साउथ अफ्रीका के अंदर हो रहा है। 2020 में जो जो इम्पोर्टेंट इवेंट है उसे पहले ही याद कर दीजिए, समझ रहे हो, इम्पोर्टेंट इवेंट, जैसे आपका G20 कहाँ पे होगा ये भी आप लोगों को याद रखना, विश्व विरासत सम्मेलन कहाँ पे होगा ये याद रखना, G7 कहाँ पे होगा, ये सारी चीज़ें हमें 19 की तो याद रखनी ही रखनी है, अब 20 में क्यों कहाँ होगा आपका, वो भी सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं हर बार आप लोगों को वो सारी चीज़ें करा देता हूँ, ठीक है ना।
किसे ला लीग, पहले तो ये ध्यान देना कि ये ला लीग क्या है आपका, लीग ठीक है, तो ये आपका एक फुटबॉल लीग है, जिस तरह से भारत में क्या होता है जैसे आईपीएल होता है आपका, समझ रहे हो आप लोग, प्रो कबड्डी होता है, तो उसी तरह से फुटबॉल लीग है आपकी ला लीग, ठीक है। और इसका जो अभी क्या चुना गया आपका ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया आपका, तो किसे चुना गया बच्चा, ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को चुना गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चा आपका डी, इसका सही आंसर में से आता है। अगला क्वेश्चन क्या आएगा आपका, अगला क्वेश्चन ये रहा था आपके सामने जो मैंने बताया था, विच स्टेट वॉन द वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड फॉर जग्गा मिशन, ठीक है। इस मिशन के लिए इन्हें क्या दिया गया आपका, अवार्ड दिया गया, तो उड़ीसा राज्य सरकार को इस सम्मान, इसके लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड से सम्मानित किया गया, यानी कि विश्व पर्यावास पुरस्कार से सम्मानित किया गया आपका, ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली पापुआ न्यू गिनी से अलग हुआ है आपका, तो कई बार बता चुका हूँ इसके बारे में, पापुआ न्यू गिनी से अलग हुआ कौन है आपका, बोगनविल। अब मैं अगर यहाँ से पूछता हूँ जल्दी से, जो भी बच्चे यहाँ पे लाइव है आपसे एक क्वेश्चन है जल्दी से कमेंट्स में, और ऑफलाइन भी अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो तुरंत आप लोग यानी कि विद इन 30 सेकंड के अंदर इसका आंसर देना है, बोगनविल कौन से सी के अंदर है, इसकी लोकेशन बताना आपका कि ये कौन से महासागर में स्थित है, ठीक है। वोगनविल जो आपका आइलैंड है, वोगनविले एक आपका आइलैंड है, ठीक है, ये क्या है आपका एक द्वीप है, तो इसकी स्थिति बताने आपको, लोकेशन कहाँ पे है, कौन से सागर में स्थित है आपका, ठीक है। वोगनविल जो आपका है कहाँ पे है, इसका आंसर आपको बताना है, क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं इसके बारे में बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। वोगनविल कहाँ पे है बच्चा आपका, तो ये मैंने आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंदर, ऑस्निया कॉन्टिनेंट में है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन से सागर में स्थित है, तो याद रखना बच्चा यहाँ पे आएगा आपका पैसिफिक ओशियंस में स्थित है, ये रहा आपका बोगेनविल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, वर्ष 2019 के लिए भारत में कौन सा कीवर्ड सबसे अधिक खोजा गया, तो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 को, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट चीज, ये कब स्टार्ट हुआ था आपका, तो 30 मई को स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और लास्ट मैच जो खेला गया था आपका 14 जुलाई को खेला गया था, फाइनल मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में, जहां पर नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है ना। हाँ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें बच्चा हम लोग यहाँ पे सारी चीजें क्लियर कर रहे हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन रहा आपका, अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, हु वाज द मोस्ट सर्च पर्सनलिटी फॉर द ईयर 2019, तो कौन है आपके, अभिनंदन वर्धमान, भारतीय एयरफोर्स के जो पायलट है आपके अभिनंदन वर्धमान, जिन्हें 2019 में वीर चक्र से भी सम्मानित किया गया, और साथ ही साथ इन्हें ध्यान देना भारत ही नहीं पाकिस्तान में भी क्या सबसे ज्यादा सर्च होने वाले जो पर्सनालिटी आपके व्यक्तित्व है वो कौन है आपके, अभिनंदन वर्धमान, ठीक है ना। तो अभिनंदन वर्धमान से संबंधित मैंने आप लोगों को चीजें बताई थी, जिन्हें याद नहीं होगा वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, क्या किया गया यहाँ पे, द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली ऑथराइज द विच ऑर्गेनाइजेशन टू सेट अप इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, समझ रहे हो आप लोग, क्या किया गया, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में ही इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट स्थापित करने के लिए किस संगठन को अधिकृत किया गया, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी को किया गया आपका। और याद रखें बच्चा यहाँ पे मैंने आप लोगों को कई बार बताया, नीति आयोग, नीति आयोग के आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे क्या बोलते हैं नीति आयोग भी कहते हैं, और ये क्या आपका एक संवैधानिक संस्था नहीं है, यानी कि भारतीय संविधान में इसके संबंध में कहीं पे नहीं दिया गया, जो कभी क्या होती थी आपकी योजना आयोग हुआ करती थी, ठीक है, जिसे क्या बोलते पहले हम लोग प्लानिंग कमीशन के नाम से जानते थे। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को क्या आया था आपका, इसकी स्थापना कब हुई थी आपसे पूछा जाता है, तो 1 जनवरी 2015 से इसकी क्या हुई थी, स्थापना हो गई थी। नीचे देख लो आप लोग, सेबी की बात करता है, सेबी मैंने आपको कल बताया था, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि सेबी की स्थापना होती है 1988 में, और ये भारत में क्या करता है आपका, जो स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है आपका, कैपिटल मार्केट है, इसे रेगुलेट करता है, ठीक है। भारतीय जैसे कि स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है, 24 है, NSE हो गया आपका, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ठीक है, तो इसे क्या करती है सेबी के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है, ये अथॉरिटी की आपकी, ठीक है। और साथ ही साथ आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नीचे दिया गया, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
हिल्टन कमीशन के तहत बनाया गया था और 1935 में इसकी स्थापना होती है। इसके वर्तमान समय पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान समय पर जो आपके चेयरपर्सन है वो कौन है आपके, तो याद रखना आपका गवर्नर, जो गवर्नर है अभी वर्तमान समय पर कौन है बच्चा, तो शक्तिकांत दास वर्तमान समय पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है, जबकि सेबी के जो अध्यक्ष हैं अजय त्यागी है। ठीक है, नीति आयोग के संबंध में सारी चीज़ें बताए आप लोगों को कि नीति आयोग के वर्तमान समय पर उपाध्यक्ष कौन है ये भी बताया है, और वाइस जो आपका समझ रहे यहाँ पे सीईओ कौन है वो भी बताया मैंने आपको। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार हो गए, और इसके जो सीईओ है आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में वो कौन है आपके, अमिताभ कांत है। ठीक है, तो नीति आयोग भी क्लियर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारत में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में कब सेलिब्रेट किया गया था, तो ये किया गया था बच्चा आपका 2008 में। ठीक, वेयर इज द इंडिया फर्स्ट एलिफेंट मेमोरियल जो आपका कहाँ पे है, तो ये बच्चा आपका कहाँ पे, यह है बच्चा आपका मथुरा के अंदर यानी कि उत्तर प्रदेश में। फर्स्ट एलिफेंट जो मेमोरियल बनाया गया आपका, भारत में पहला हाथी स्मारक के रूप में कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, गुजरात का जो भावनगर है मैं यहाँ पे क्या लगाया गया बच्चा आपका, सीएनजी टर्मिनल लगाया गया, सीएनजी टर्मिनल लगाया गया। ब्रिक्स सम्मेलन 2019 में होता है, इसकी थीम क्या रखी गई, ब्रिक्स सम्मेलन 2019 की थीम क्या रखी गई, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब, इसका फुल फॉर्म क्या था बच्चा आपका, ब्रिक्स का मैंने बताया था ब्राजील रसिया इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका इसमें मेंबर हैं, तो वही इसके फुल फॉर्म भी है। ठीक है, और 2019 में जो थीम थी इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर इनोवेटिव फ्यूचर, इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर इनोवेटिव फ्यूचर। जो बच्चे चैनल से अभी अभी जुड़े हैं उन बच्चों को बता दूं मैं बच्चा, अब करंट अफेयर की क्लास आप लोगों की डेली मॉर्निंग में कितने बजे से होगी, 6 बजे से शुरू हो जाएगी और जो 7 बजे समाप्त होगी आपकी डेली की क्लास, आपकी 6 से लेकर 7 चलेगी। और दूसरी क्लास आपकी जीएस की क्लास चलती है जो कि चलेगी आपकी 8 बजे से स्टार्ट होगी और 9 बजे तक रहेगी। ये टाइमिंग में बदलाव क्यों किया गया, क्योंकि पैरेलल में सैलन सर की क्लास भी चलती है टेक्निकल की, तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत थी। तो अब आपको रेगुलर बच्चा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, मैं आप लोगों को भरोसा जताता हूँ कि ऐसा जीएस में आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा जिसे हम लोग यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ों में नहीं उलझाऊंगा आपको। ठीक है, चीज़ों को बार बार आप एक बार देखिए समझिए, आप लोग नोट्स मेंटेन करिए, आपको फ़ायदा मिल जाएगा, आने वाले एग्जामों में आपको फ़ायदा दिखेगा। लेकिन ये नहीं कहता कि आप मैराथन में आए और वहाँ पे करिए बच्चा, आज के टाइम पे अगर आप रिसेंटली एसएससी जेई 2019 का रिजल्ट देखते हो तो जनरल कैटेगरी में 152 क्या गई थी आपकी, कट ऑफ गई थी। तो याद रखिए कि आज के समय पर इक्वल सभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, टेक्निकल के साथ साथ आपको नॉन टेक भी बैलेंस करना पड़ेगा, और नॉन टेक आपका क्या है, समंदर है। ठीक है, हमें क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है जिससे कि हमें वहाँ पे मैक्सिमम हम लोग क्या करें, कवर करें। ठीक है, तो नॉन टेक वाला पोर्शन आपका स्कोरिंग होने वाला है, ठीक वही सिलेक्शन दिलाएगा। टेक्निकल तो आपको करना ही अच्छा, लेकिन साथ साथ आपका नॉन टेक भी बैलेंस होना चाहिए। ठीक, और ये क्लास आपकी कॉमन रहेगी, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो चाहे सेंटर गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, ये सभी के लिए कॉमन है। तो वीडियो को लाइक भी करते रहे बच्चा, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। माली गणराज्य के अंदर भारत के राजदूत कौन बने, तो इनका नाम क्या बच्चा आपका, अंजनी कुमार। ठीक है ना, व्हेन इज द इंडियन आर्मेड फोर्सेस फ्लैग डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, तो 7 दिसंबर, प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है आपका आर्मर्ड फोर्सेज स्पेशल डे। ठीक, अब मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी बच्चा, अफस्पा रिसेंटली आपका लेह और जैन के दो यूनियन टेरिटरी बने, भारत के दो केंद्र शासित प्रदेश बने आपके, कौन से, लद्दाख और आपका जैन के। ठीक है, तो याद रखना बच्चा वहां पे क्या था, मैंने बताया कि इन दो जगह पे अगर कभी अफस्पा लगना है तो उसका अधिकार किसे दिया गया, केंद्र सरकार को दिया गया, समझ रहे हो। यहाँ पे अगर अफस्पा लागू करना है आपका, जैसे कि 27 साल बाद 2019 में मेघालय में अफस्पा हटाया गया, पूर्वोत्तर के बहुत सारे राज्यों में अफस्पा लगा था आपका। ठीक है, कहाँ कहाँ पे लगा था, जैसे कि आपका मणिपुर के अंदर था आपका, इन स्टेटों के अंदर अफस्पा लागू था। तो अफस्पा क्या होता है वो भी ध्यान देना आप लोग, आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस के या जो वहाँ पे जवान होते हैं उन्हें स्पेशल पावर दिया जाता है स्पेशल। ठीक है, तो याद रखना बच्चा काफी इंपॉर्टेंट चीजों में से आपका अफस्पा जो अक्सर पूछा जाता है। ठीक है ना,
और जो आपका लद्दाख और जेएनके के अंदर मैंने बताया था, आपका अफस्पा का जो अधिकार रखा गया वो किसके पास है, केंद्र सरकार के पास रखा गया है, ये भी याद रखना आप लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये था आपका, मैंने केसीसी के बारे में बात करी थी, किसान क्रेडिट कार्ड भारत में कब लॉन्च किया जाता है, 1997 में, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया आपका, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द फर्स्ट पशु किसान क्रेडिट कार्ड इन इंडिया, भारत में पहला ऐसा स्टेट बताना आपको जिसने पशु किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च करा है, तो ऐसा स्टेट कौन सा आपका, हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। अब यहाँ पे केसीसी जरूर पूछेगा आपसे, समझ रहे हो, किसान क्रेडिट कार्ड भारत में कब लॉन्च हुआ था आपका, 1997 में लॉन्च हुआ था, ठीक। और अभी किसान जो आपका किसान, ठीक है ना, पशु किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला स्टेट आपका हरियाणा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 2+2 डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड यूएस कहाँ पे हो रहा है, 2+2 डायलॉग जो कि कहाँ पे चल रहा है बच्चे आपका, ये हो रहा है कहाँ पे, तो ये वॉशिंगटन के अंदर, और यहाँ पे इंडिया को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और उसके साथ साथ कौन है आपके, भारतीय विदेश मंत्री एस शंकरन, ठीक है ना, एस शंकरन वहां पे क्या कर रहे हैं, भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये 2+2 डायलॉग की बात करेंगे, जैसे कि भारत और जापान के बीच में कहां पे होना था, गुवाहाटी के अंदर होना था। जो भी बच्चे चैनल से अभी जुड़ रहे हैं उन्हें बता दूं टाइमिंग चेंज हो चुकी है, करंट अफेयर की क्लास आप लोगों की 6 से 7 बजे तक चलेगी, ठीक है। टाइमिंग चेंज करने की वजह बताई थी मैंने, पैरेलल में सेलेन सर की क्लास भी चल रही थी तो आप लोगों को थोड़ा दिक्कत थी उसमें, तो इसलिए क्लास मैंने पहले करवा दी, ठीक है। तो डेली ये क्लास आपकी 6 से 7 रहेगी, अब आप साथ साथ आप टेक्निकल क्लास भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या रहा आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। तो बच्चा आज के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने यहाँ पे कवर करे, साथ ही साथ आप लोग चैनल को, जो चैनल से नए जुड़े हैं जो बच्चे, वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, ठीक है। जो भी ग्रुप है आपके पास उन ग्रुपों में शेयर भी करते रहें, कि क्लास आपकी जब भी स्टार्ट होती है तो अपने ग्रुपों में शेयर करते रहें, चाहे आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, इन सभी ग्रुपों में भी शेयर करते रहें। तो बच्चे आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग जीएस के लेक्चर में। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिटेल कोर्स के लिए संपर्क करें 8449597123। एसएससी जेई 2020 इलेक्ट्रिकल के लिए संपर्क करें 8449597123। जेबी गुप्ता इलेक्ट्रिकल बुक के सॉल्यूशन के लिए संपर्क करें 8126989696 पर। यूपी ट्रिपल एससी जेई LMRC UPRVNL UPPCL जेई के लिए संपर्क करें 8126989696 पर। जेई इलेक्ट्रिकल इंग्लिश भाषा में नोट्स के लिए संपर्क करें 8057871234। PSPCL जेई इलेक्ट्रिकल ऑनलाइन कोर्स के लिए संपर्क करें 8126989696। एडमिशन ओपन, कॉल करने का समय 9 AM to 5 PM। अभी एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें इंजीनियर अकेडमी देहरादून पेड कोर्स।